व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है सबका। आप देख रहे हो करण पोल्ट्री, मैं हूं आपका भाई करण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ब्रदर, आज मेरे बर्ड का डे हुआ है, डे 22। 22वां दिन आज का। तो कल इसका ना वेट किया था, कल इसका वेट आया था 1 किलो। 1 किलो इसकी एवरेज आई थी 21 दिन में। तो मुझे ना अपने बर्ड में थोड़ी सी ना लूज ड्रॉपिंग लग रही है, बच्चा ना थोड़ी सी पतली बिठ मार रहा है। तो मैं ना इसको मेडिसिन दूंगा आज शाम को। इसकी मेडिसिन ये मैं 3 दिन चलाऊंगा लगातार। जो इसको मेडिसिन हम मैं दूंगा वो है ये कोसबैक WS। ये बेस्ट मेडिसिन है लूज ड्रॉपिंग के लिए। इसके फायदे ये हैं कि इसकी ना इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। जो बर्ड को डायरिया वगैरह हो जाता है ना, ये उसके लिए बढ़िया है। उसका जो मेटाबॉलिज्म है ना, उसकी खाने की क्षमता है जो, उसको बढ़ाएगा और उसको ना दुरुस्त रखेगा। जो बर्ड मरता है ना अपना फीड का के उल्टा होके, वो इसे मरेगा नहीं। ये मुझे मार्केट से पड़ी थी अपनी 550 की पड़ी थी। इसका MRP आप देख सकते हो 880 रुपये है। 550 की मुझे पड़ी थी। इसका मैं यूज़ करूँगा अपना 40 से 50 ग्राम करूँगा अपने 1000 बर्ड के लिए। तो मेरे ये लगेगी अप्रॉक्स 900 ग्राम या किलो लगेगी एक टाइम में। तो मैं दो डालूँगा, दो टंकी है मेरे पास। 500 ग्राम मैं नीचे डालूंगा और 500 ग्राम ऊपर डालूंगा। पानी में रखूंगा ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चा पानी पी जाए 1.5 से 2 घंटे में। बस मेडिसिन को उतना देना चाहिए कि जो जल्दी से जल्दी मेडिसिन ख़त्म कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा 2 घंटा, उससे ज़्यादा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। पानी का असर ज़्यादा हो जाता है उसमें, दवाई का असर कम हो जाता है। तो बाकी गर्मी है काफ़ी, कूलिंग पैड और मेरे पंखे चल रहे हैं सभी के सभी। बच्चे की ग्रोथ भी ठीक है 22 दिन के हिसाब से। बाकी बंदे इसकी अभी गुड़ाई कर रहे हैं, मैं गुड़ाई करा रहा हूँ। गुड़ाई इसी वजह से करा रहा हूँ, मेरा लीटर है ना जो नीचे जम जाता है, पूरा बैठ जाता है। तो इस वजह से ना मुझे इसकी गुड़ाई करवानी पड़ती है। इसे ना जो नीचे देखो पूरा बरूदा, जैसे बरूदा होता है ना अपना, वैसा जमता नहीं है। ये जमना भी नहीं चाहिए, उस वजह से अगर जम जाए तो बच्चा इसलिए अपनी ड्रॉपिंग करता है। बाकी इसको और कोई हम मेडिसिन नहीं दे रहे हैं ज़्यादा, बस इसकी हम इम्यूनिटी के लिए इसको खाली लीवर देते हैं। बस 3 दिन देते हैं, 2 दिन स्किप कर देते हैं और इसको कोई फालतू मेडिसिन नहीं दे रहे हैं अभी, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी इसके जाने के दिन नज़दीक आ रहे हैं और वेट लेने के दिन भी आ रहे हैं। तो इस हफ्ते में ना अपने 22 दिन से लेके 30 दिन तक अपनी फीड भी चेंज होती है। आपको पता ही है कि मैं इसकी फीड चेंज करूँगा कल, अपनी कल इसको दूंगा मैं फिनिशर 3 नंबर जिसको बोलते हैं। शाम को ही कर दूँ अगर शाम को आ गई तो। मैं ना पहले फीड अपनी इसको देता हूँ 2-3 दिन मिक्स करके एक ही बार में। जैसे आपके फार्म में फीड आई फिनिशर कोई भी स्टार्टर ना, उसको वैसे नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ अपने फार्म में, उसको ना अगर आपके पास पहले फीड आई है प्री स्टार्टर, अगर वो ख़त्म हो चुकी है अब स्टार्टर डालोगे तो पहले 2-3 दिन ना उसको मिक्स करके डालना स्टार्टर के साथ, बढ़िया रहता है मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्ज़ी। फिनिशर भी आप ऐसे ही डालना, पहले 2-3 दिन ना मिक्स करके डालना स्टार्टर और फिनिशर को, मिक्स करके डालना फिल्टर में। बाकी जो मेरे भाई को कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे DM कर दिया करो मैसेज, मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ।